सीमावर्ती क्षेत्र खड़िया CHP राजकृष्ण शेलो के पास संचालित आंगनवाड़ी केंद्र को 14 वर्ष के बाद भी भवन नसीब नहीं हो सका। यहाँ 14 वर्षों से केंद्र पेड़ के नीचे तो कभी किराए के भवन में, कभी कहीं और संचालित होता रहा। यह जोखिम है कि खुले में बैठने से, तेज हवा से पेड़ की टहनियां टूटने से भी कभी हादसा हो सकता है। सहायिका ने कहा कि मन में हमेशा बड़ी दुर्घटना का आशंका रहती है, लेकिन जिम्मेदार शिकायत के बाद भी नहीं सुन रहे हैं। वही अब तक एक और समस्या गंभीर बनी हुई है, जहां बिना मास्क और सैनिटाइजर बच्चों का हो रहा है टीकाकरण, आंगनवाड़ी स्टाफ के पास नहीं है संसाधन। खड़िया आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के टीकाकरण का काम चालू हो गया है, मगर ये काम असुरक्षित तरीके से हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों के अलावा आंगनवाड़ी स्टाफ को भी संक्रमण का डर सता रहा है, मगर प्रशासन इससे सरोकार नहीं है। आंगनवाड़ी में काम करने वाला यह स्टाफ कोरोना के संक्रमण की दहशत में काम करने को मजबूर है। आंगनवाड़ी स्टाफ स्वास्थ्य कर्मियों के संसाधन की मदद मांगता है तो भी उन्हें नहीं मिलती है। मजबूरन कार्यकर्ताएं सहायिका बिना मास्क, ग्लव्स व सैनिटाइजर के बच्चों को स्पर्श करने का काम कर रही है। तो किस तरह की समस्या है यहाँ पे? सर से काम कर रहे हैं, ना कुर्सी है, ना मेज है, ना दरी है, तो बाल्टी भी होना चाहिए, बैठने की व्यवस्था देख रहे, पानी में बैठ कर नीचे बैठ कर टीका लग रहा है। किसी तरह का व्यवस्था नहीं दिया गया है? नहीं सर। इसकी शिकायत कहीं की गई है? शिकायत कई बार मीटिंग में कहा गया, बताया गया, तो बिल्कुल का ये बात हुआ, फिर सर बोले कि ठीक है व्यवस्था सबके खाते में पैसा है, करेगी। अभी आज तक तो हुआ ही नहीं, बताइए इस तरह समस्या किस तरह हम लोग टीका लगवाएं, क्या करें, नहीं करता है। लेकिन और सैनिटाइजर मास्क वगैरह कोई कुछ दिया गया है कि नहीं प्रशासन की तरफ से? पहले बहुत पहले जब कोरोना में जो कागज चिपकाने के लिए वो दिया गया था उसी समय, प्रचार करने के लिए सिर्फ उसी समय दिया गया था। ऐसे में फिलहाल कुछ नहीं। इसी तरह से आप लोग कहाँ पे बैठते हैं, मतलब कुछ शासकीय आवास वगैरह मिला है बैठने के लिए, कार्यालय वगैरह? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। इसी तरह झोपड़ी या पेड़ के नीचे जहाँ जगह मिले वहीं बैठ के लिए बनाते हैं, लेकिन अगले स्टाफ को ध्यान दिया गया है।